क्लास एट मैथ एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। पहले हम रेक्टेंगल का डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल क्या है? ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। रेक्टेंगल जो है वो पैरेललोग्राम है जिसमें क्या है, इन विच एवरी एंगल, ठीक है। ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज ए राइट एंगल। एवरी एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है, ठीक है। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने साइज में क्या हो क्या नहीं हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक ये हम लेते हैं तो इसमें क्या है, चारों के चारों एंगल मैंने राइट एंगल बना दिए, ठीक है। रेक्टेंगल कहीं लिखा हुआ दिखे तो आप सीधा समझ जाइए कि ये चारों के चारों एंगल्स के 90 डिग्री है, ठीक है। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम क्या है, वो क्वाड्रिलेटरल है, यानी कुल मिला के जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड्स इसके होते हैं, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के जितने प्रॉपर्टी हैं वो रेक्टेंगल में आ जाएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम ही है, तो पैरेललोग्राम के जितने भी प्रॉपर्टी है सारे सारे रेक्टेंगल में आ जाएंगे। इसके अलग से जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इन विच एवरी एंगल इज ए राइट एंगल, जिसमें अलग से प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम से हटके, क्या है कि एवरी एंगल राइट एंगल होना चाहिए। तो रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच एवरी एंगल इज ए राइट एंगल, तो इसके अपोजिट जो साइड्स होंगे वो हमेशा बराबर होंगे, अपोजिट साइड्स के ये साइड भी बराबर होंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर, वैसे तो सारे सारे राइट एंगल हैं तो बराबर तो है ही है, लेकिन पैरेललोग्राम का जो है वो हम देखें तो ये बराबर होंगे, ठीक है। जो डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट होंगे, ये सारे पैरेललोग्राम के जो रूल जो प्रॉपर्टी है वो सारे प्रॉपर्टी इसमें भी आएंगे, ठीक है। तो अब इसका प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी में से दो प्रॉपर्टी तो साफ ही दिख रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जितना प्रॉपर्टी होगा इसका प्रॉपर्टी होगा, और सारे एंगल राइट एंगल होंगे, ठीक है। तो राइट एंगल अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑफ प्रॉपर्टीज के अलग से क्या है, डायगोनल्स ऑफ ए, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर रेक्टेंगल आर, ठीक है, डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल लेंथ, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये जो डायगोनल होंगे इसके लेंथ भी बराबर होंगे, दोनों के लेंथ में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम में लेंथ में फर्क था, बाइसेक्ट होता था लेकिन लेंथ में फर्क था, इसमें लेंथ बराबर होंगे इसलिए प्रॉपर्टी में अलग से लिखा, ठीक है। दूसरा क्या है, डायगोनल्स ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सेकेंड क्या है, ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ऑल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम में क्या क्या आएगा, पैरेललोग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल पहला प्रॉपर्टी इसका, अपोजिट साइड्स
आर इक्वल। ठीक है, पैरेललोग्राम का पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम का, कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल आर इक्वल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री है, इसलिए अपोजिट एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल एंगल आर राइट एंगल यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। ठीक है, जितने भी एंगल हैं वो राइट एंगल होंगे, राइट एंगल्स। ठीक है, लेकिन वो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी में लिखना ठीक नहीं होगा, इसलिए इसको हटा देने में ही हमको फायदा है। ठीक है, तो ये हमने हटा दिया, ऑल एंगल आर राइट एंगल हटा दिया इसको। ठीक है, सेकंड क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट वन एंगल। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट्स वन एंगल। ठीक है, डायगोनल जो है एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा थर्ड यदि आप लिखना चाहें तो ऑल एंगल आर राइट एंगल लिख सकते हैं, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, राइट एंगल। ठीक है, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, जो इसमें हमने नहीं लिखा उसको अलग से लिख दिया, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई वो नहीं है क्योंकि ये डेफिनेशन में ऑलरेडी है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया रेक्टेंगल। आपको समझ में आ गया रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है।